आज का मेरा टॉपिक तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन टॉपिक ज़रूर है। और टॉपिक वो ये है कि फिक्सेड के सदाकत साहब, फिक्सेड से उनके सदर थे जनाब, तो उनका PWP व्लॉग चैनल है और वहाँ पर जो है वो व्लॉग्स भी बनाते हैं और उनके यूट्यूब चैनल भी मौजूद है और फेसबुक का उनका जो है प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। तो उसके ज़रिए मतलब लोगों तक जो है वो रहनुमाई पहुँचाते हैं, लोगों की रहनुमाई बहुत ज़्यादा करते हैं वो जनाब। और जैसे रिसेंटली उन्होंने किसी को रक्षा दिलाया, उससे पहले कुछ दिनों पहले उन्होंने जो है किसी को बाइक दिलाई, उसे टूटी टूटी बाइक दिलाई और रक्षा जो है उनका सेट करा के दिया, बहुत एवन करके दिया। तो खिदमत खल्क के तौर पर जो है बहुत सारे काम सदाकत साहब कर रहे हैं। और सदाकत साहब जो है उनको मैंने हमेशा जो है किसी न किसी की मदद करते हुए पाया, किसी न किसी मसले को इशू को उठाते हुए पाया है और उनको खिदमत खल्क करते हुए पाया। जैसे अनुरने सिंह के बहुत सारे इलाकों में जो है उन्होंने डोनर्स की मदद से जो है पानी के वो लगवा दिए उन्होंने, हैंडपम्प वगैरह। और मैंने एक उनकी और भी वीडियो सुनी थी, उससे मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक मस्जिद भी उन्होंने तामीर करवाई डोनर्स के फंड से, जो कि सैलाब में जो है तबाह हो गई थी, मस्जिद शहीद हो गई थी। और डोनर्स के फंड से कुछ अपनी मदद आपके तहत कुछ उनके फ्रेंड्स वगैरह की मदद से जो है उन्होंने एक मस्जिद भी तामीर कराई। माशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ऐसे लोगों को जो है सही सलामत रखे, अल्लाह ताला उन सबको जो है। तो कहने का मकसद ये कि खिदमत खल्क मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खिदमत खल्क आप भी कर सकते हैं और आप भी करें। तो अगर आप घरों आपके इलाकों में, ख़ासतौर पर मैं कहता हूँ जैसे मैं नॉर्थ कराची में रहता हूँ, नॉर्थ कराची में पार्क्स वगैरह की कमी है, पार्क हैं तो पार्क्स की कमी है, डायरेक्टर पार्क्स वगैरह भी मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, डिप्टी डायरेक्टर भी है, माली भी है, हेड माली भी है और चौकीदार वगैरह भी मौजूद हैं, लेकिन पार्क्स पर नज़र नहीं आती। तो पार्क्स की जो जगह है उधर वो पेड़ पौधे लगाते हुए भी नज़र नहीं आएंगे आपको। पार्कों को तबाह हुए भी तकरीबन जो है किसी को 25 साल होगा, किसी को 30 साल होगा, किसी को 27 साल होगा, किसी को 28 साल होगा, किसी को 20 साल होगा। तो कुछ पार्क्स रेनोवेट हो रहे हैं अभी और ऐसा ऐसा हो रहे हैं, कुछ पार्क्स नहीं हो रहे। तो भाई मुझे तो ये कहना है कि पार्कों की सूरत हाल अगर तबाह है तो वहाँ तो थोड़े थोड़े करके पौधे लगवा दें आप। पौधे नहीं लगवा रहे तो भाई यानी कि पौधे लगवा के फिर जो है डायरेक्टर पार्क्स वगैरह से आप रब्ता करके भाई कि इस तरह से जिस तरह से छोटी छोटी हिकमतें हमें तैयार की जाए ताकि वहाँ पर पानी डालने का सिस्टम भी बने। पानी की लाइनें मौजूद हैं, जैसे सेक्टर 5 का एक पार्क है मोमिन मस्जिद पार्क, और वहाँ पर सबसे पहले जो है वो पार्क की जो तामीर नौ कराई गई थी 1984 में या 85 के दौर में, जब उस जमाने में काउंसलर थे एजाज रहमानी, मारूफ नाजफा मारूफ शायर जो थे एजाज रहमानी साहब, उस जमाने में सेक्टर 5 के वो थे काउंसलर थे, इलेक्शन जीत कर आए थे, काउंसलर बने थे, उन्होंने वो पार्क तामीर कराया था। फिर वो पार्क मैंने देखा, जैसे कि मैं तो उनके दौर में पैदा तो नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये याद है कि जब मैं पैदा हो चुका था पार्क जब तबाह हो रहा था, पार्क की तबाही की बात थी, पार्क तबाह हो रहा था और 1998 में पार्क तबाह हो चुका था। ऐसा ऐसा उसके गेड़े भी चोरी हो गए, दरवाजे चोरी हो गए, तो ये सूरत हाल पैदा हुई। उसके ऊपर पार्क पर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई। तो कहने का मकसद ये है कि और भी इलाकों में सेक्टर 11 में भी छोटे छोटे पार्क्स वगैरह बने हुए हैं, छोटी छोटी खेलने कूदने की जगह बनी हुई है, लेकिन जो है पार्क की शक्ल नहीं है, वहाँ ना पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ना कभी इस पर जो है कार्रवाई की गई। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है, पौधे हैं ही नहीं तो माहौल ठंडा कैसे होगा भाई, बारिशें हो जाने से माहौल ठंडा होगा, जो पौधे हैं वो पौधे का हैं। तो पार्क्स में जो पार्क वगैरह हैं उधर माली जो हैं तैनात हैं, लेकिन पार्क की जगह जो है तबाह हो गई है। अब आज के दौर में अगर नई हुकूमतें आ रही हैं कम से कम पौधे ही लगा दें, पौधों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले लें। और जो टाउन्स वगैरह से न्यू कराची टाउन में एक मैंने देखा है ट्रक खड़ा हुआ था पानी का, जो पौधों को पानी डालता है भाई, वो ट्रक जो है पार्क के अंदर ले जाके जो है पौधों में वो भी छिड़क लें, वो नहीं करेंगे, लेकिन फिर करेंगे क्या, मसला तो यही है। मैं कहता हूँ कि आप कुछ नहीं करें, फिक्सेड भी कहते हैं, फिक्सेड वाले भी कहते हैं अक्सर ये बात कि आप कुछ ना करें, आप पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी ना लेते, अपनी गली अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी, आप
अपने घर मोहल्ले में ये कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे घर के पास सड़क बने, मैं उस पर दिलचस्पी ले रहा हूँ और मैं लूँगा। मैं चाहता हूँ मेरे घर के पास पार्क बने तो मैं उसकी तामीर नौ के लिए बहुत दिलचस्पी ले रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टर पार्क मुझे नजर नहीं आ रहा, उसकी दिलचस्पी लेते रहे, उस पर काम करते रहे। उसके ऊपर अभी नए सिरे से पार्क बनना है, 57 लाख फंड पास हो गया है, फंड के लिए टेंडर होना तो टेंडर ही नहीं होता, टेंडर की रिपोर्ट आ चुकी है उसकी, तो बहुत सारे मसाइल हैं। तो मैं कहने का मकसद ये कि एक बंदे का काम नहीं, एक बंदा परस्यू कर सकता है इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों पे काम कर सकता है, लेकिन एक बंदे का वाकई काम नहीं है। मैं भी इस चीज़ को महसूस कर चुका हूँ और बहुत से लोग हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं कि आप इस तरह नहीं, इस तरह करो, इस तरह नहीं, उस तरह करो, इस तरह नहीं, उस तरह करो, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, यहाँ से जो कोशिश कर रहे हैं ऐसे भी गाइड। लेकिन जो है वो जो डायरेक्टर पार्ट्स हैं वो तो दिलचस्पी नहीं ले, वो कैसे दिलचस्पी ले, 27 साल से तो उन्होंने दिलचस्पी ली नहीं। अभी कितने ही पार्क मैं आपको दिखा दूँ, छोटे छोटे के प्ले ग्राउंड दिखा दें, उनमें तो पौधे ही क्यों नहीं है, माली क्यों तैनात है, माली तनख्वाह क्यों उठा रहे हैं वहाँ से, ये नहीं है। इस पर कोई सवाल, कोई ऑब्जेक्शन कर नहीं सकता, क्यों करेंगे ऑब्जेक्शन, वो फिर उसको बोलेंगे कि भाई आप इसके पीछे भी पड़ दो। इनके मेरा जो मकसद है कहने का यही है कि अगर आपके घर के पास पार्क की हालत है, पार्क की जगह है, अगर वो तबाह पड़ी है तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे। अगर आप अपने हाथ से नहीं कर सकते वो तो करवाओगे ना, सरकारी इदारों को पाबंद कराओगे कि भाई ऐसे करो, या तो आप सुबह मुंसिफ जाओगे या तो चले जाओगे। या एक और जो सिंध गवर्नमेंट ने सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाई है, सिंध सेक्रेटरी के अंदर इसका ऑफिस है, आप वहाँ जाओगे। अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मसला है तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सुबह मुंसिफ, मतलब जो करीमाबाद कॉलेज के बराबर बने बना है, आप वहाँ जाओगे। अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ में मसला है इस तरह का कि पार्क वगैरह का मसला है, पौधे वगैरह लगाने हैं और पार्क डिपार्टमेंट जो है वो इस पर दिलचस्पी ले रहा है, तो फिर आप जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ जाओगे या तो फिर सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफिस जाओगे, वहाँ पर जो है आप केस करोगे, वहाँ से कार्रवाई करोगे, क्योंकि एक रुपया भी खर्च नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि एटलीस्ट जो है ना इलाकों के अंदर पार्क होना ज़रूरी है, वहाँ पर जॉगिंग ट्रैक होना ज़रूरी है, फैमिलीज़ का आना जाना ज़रूरी है, फैमिलीज़ का उठना बैठना ज़रूरी है, ताकि जो है इलाकों के अंदर जो है खुशगवार माहौल पैदा हो सके, खुशगवार लोग यानी कि एक्टिविटीज़ कर सके। पार्कों के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि कुछ प्राइवेट कंपनीज़ को भी जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप हमारे पार्क में आके स्टॉल लगाएं। अगर कोई शादी ब्याह देकर तकरीबात वगैरह करना चाहता है तो उसका एक अलग पोर्शन मुख्तस करें, कि उस पोर्शन के अंदर जो है शादियाँ वो करेंगी, इन इन दिनों में हुआ करेंगी, इसके अलावा शादियाँ नहीं होती, और उसका ख़ास तौर पर जो है बिल यानी कि देना पड़ेगा, ताकि वो जो है पार्क की मेंटेनेंस का हिस्सा बने वो बिल। तो कहने का मकसद ये है कि कार्रवाई बहुत सारी की जा सकती है अगर आप कोशिश करें, आपकी कोशिश करने से मेरे सिर्फ मेरे कोशिश करने से नहीं होगा, आपकी कोशिश करने से होगा। आपको अपनी गली की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जैसे कि आज के ज़माने में पेवर ब्रिक्स चल रहे हैं, पेवर ब्रिक्स, उसको ब्रिक्स भी कहा जाता है, तो पेवर ब्रिक्स मैंने जोड़ के आपको मैंने बता दिया पेवर ब्रिक्स। अब अपनी गली की जिम्मेदारी लेनी, क्या पेवर ब्रिक्स फैलाना है मुझे अपनी गली में। मैंने तो खैर अपनी दरख्वास्त दी है सेक्टर 5 ही की, कि एक सड़क गलेगी जो कि चौड़ी गली मेरे घर से आती है, फिर मुख्य मंदिर जाती है, फिर वहाँ से बूथ स्कूल तक जाती है, और उसके बाद जो है ना यानी कि जो 12 गलियाँ उनमें पेवर ब्रिक्स कर देंगे। मैंने इसकी दरख्वास्त दे दी है ट्रांजेक्शन ऑफिसर को भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और मसरूर एहसन साहब जो पीपल्स पार्टी के रुकन हैं और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट सदर है शायद, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर, मैंने उनको भी दी है, तो उन्होंने अपने पी ए इफ्तार साहब को दे दिया, वो मुझे कभी भी रब्ता करेंगे इंशाल्लाह, जो इस पर भी काम होगा बहुत जल्द। अल्लाह ताला से बस दुआ है, अल्लाह ताला से इल्तिजा भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, बाकी इन लोगों से भी रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई पार्क बना दें, पार्क के लिए टेंडर करा दें, या जो है स्ट्रीट लाइट्स के लिए तो बस सुबह ही मुंसिफ साउथ से केस किया था, और वहाँ के जीता भी था उन्होंने, तो सैयद मंसूर हैदर साहब ने बड़ी ईमानदारी से और बहुत तेज़ी से कार्रवाई की, और 1.5 महीने में लगते लगभग ठीक मेरा। फिर इसी तरह जो है सूबाई मौतसिब पे जो है ना, और मतलब यकीन पुख्ता हो गया कि सूबाई मौतसिब से कार्रवाई हो सकती है, 1 रुपया खर्च नहीं होगा और काम भी होगा हो भी जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे काम का जो है ना सूबाई मौतसिब से करा सकते हैं, पार्क का काम, स्ट्रीट लाइट्स का काम, सड़क का काम,
लेकिन उससे पहले जो है आपको मुतल्लिका इदारों में दरख्वास्त देना ज़रूरी है और वहाँ से जो है फंड पास कराना ज़रूरी है और टेंडर वगैरह वो होंगे तो हम ये सारे काम करेंगे। पानी और सीवरेज का मसला भी वहाँ पर कार्रवाई होती है और बहुत अच्छे से कार्रवाई होती है, लेकिन पानी और सीवरेज का मसला जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। वो तो उस मसले को तो मैं समझता हूँ, लेकिन आप तो अभी डायरेक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन वो मसला थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मेरे नज़दीक जो है ना, मैं उस मसले में नहीं हूँ। फिर एक इलेक्ट्रिक का मसला है कि इलेक्ट्रिक का मसला जो है वो बाकी मोटरसाइकिल से होता है। बाकायदा बिल के पीछे उन्होंने लिखा हुआ है कि आप इन चार रीजनल ऑफिस में जाके जो है दरख्वास्त देकर जो है अपनी कार्रवाई करा सकते हैं अगर आप हक पर हैं। इनके अलावा कहीं नहीं होगा मसला सॉल्व, या तो अदालतों में होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह से जो है सफाई मोटरसाइकिल से कार्रवाई करा सकते हैं। सड़क, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क और कुछ जैसे आपकी कोई डिसेबल कोटा है 5% अकॉर्डिंग टू सिविल गवर्नमेंट कोटा है डिसेबल पर्सन का, अगर DMC आपको जॉब नहीं दे रहा या एडमिनिस्ट्रेटर या म्यूनसिपल कमिश्नर वगैरह जो है आपको जॉब नहीं दे रहे, तो आप उनसे जो है वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जॉब ही नहीं है, जबकि अकॉर्डिंग टू सिविल गवर्नमेंट जो है 5% कोटा है और उन कोटे के मुताबिक जो है वहाँ पर यानी कि सरकारी स्कूल है या DMC है या UC है उनमें जो है ना 5% होती नहीं है डिसेबल, कहें भाई उनकी सीटों पर कौन बैठा हुआ। तो उसकी दरख्वास्त भी आप सुनवाई मोटरसाइकिल में या सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफिस में दे सकते हैं, कार्रवाई करवा सकते हैं। कोशिश की थी, ये छोटी छोटी अदालतें हैं और छोटी छोटी अदालतों से ये फ़ायदा है कि आपका केस वहाँ पर बहुत तरीके से, बहुत अदब से और बहुत ईमानदारी से रन होगा। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन जो सेक्रेटरी में ऑफिस है वहाँ पर भी एक जस्टिस बिठाए गए, उन जस्टिस साहब को मैं जानता हूँ, उन्होंने एक दफ़ा मुझे अपने पास बुलाया भी था कि बेटा ये काम आपने इस तरह से करना है तो मेरे पास आ। तो वो मुझे अंदाज़ा हुआ, फिर मुझे पता चला मैंने जो है सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो है वो बीच में इश्तहार चल रहा था फेसबुक पर, मैंने उसमें देखा तो वो जस्टिस साहब वहाँ मौजूद हैं सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के। तो कहने का मकसद ये बहुत सारे काम होते हैं, हो जाते हैं। सुबाई मौत सिर्फ साउथ से मेरा काम हुआ और सुबाई मौत सिर्फ सेंट्रल में मेरा काम चल रहा है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, वो भी उसका भी टेंडर हो जाएगा, वो भी पास हो जाएगा। और इंशाल्लाह जो है आगे मुझे केसेस करने हैं सुबाई मौत के अलावा जो है मैं सोच रहा हूँ सिर्फ ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ जाऊँ, वहाँ पर भी एक्सपीरियंस करूँ, इंशाल्लाह मैं काम करूँ। मेरा वीलॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने जो है मेरे वीलॉग को आगे जो है शेयर करना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है और आगे उनको बताना है कि भाई ये वीलॉग देखो, इसके बाद जो है तरीका क्या। आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जो मुझे समझ में आएगा मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप चीज़ों को जो है सॉल्व भी कर सकते हैं। मेरा चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन आइकन को जो है वो क्लिक करें, बटन दबाएँ, और उसके बाद जो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए।